अगर आपका इंटरनेट डाटा जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके मोबाइल का इंटरनेट डाटा कैसे ख़त्म हो गया, आपने सुबह देखा यार पूरा डाटा ख़त्म, तो ये सब प्रॉब्लम कैसे आप ठीक कर सकते हैं, कुछ आपके गलतियों की वजह से ये सारे हो पाते हैं। आप इस वीडियो को अगर देख लेंगे और ये सारे सेटिंग जान लेंगे तो आज के बाद आपके मोबाइल का इंटरनेट डाटा कभी ख़त्म नहीं होगा। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद देखिए जो ऑनलाइन क्लास करते हैं ना उनकी मदद हो पाएगी, इसलिए इस वीडियो को सब जगह फैला देंगे तो और लोग जानेंगे। खैर, मोबाइल डाटा मतलब कि जो आपका GB है, इंटरनेट है, वो क्यों ख़त्म हो जाता है? तो देखिए, बहुत सारे ऐसे सेटिंग हैं जो कि आपने गलती करके रखा है, जिन्हें कि आपको बदलाव करना पड़ेगा। अब देखिए वो सारे सेटिंग की ओर चलेंगे। आज के बाद आपके मोबाइल में डाटा प्रॉब्लम नहीं होगा। बस इस वीडियो को पूरी देखते रहिए, वीडियो में लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, घंटी बटन दबा दें, वीडियो शेयर कर देंगे तो और लोग जानेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट में लिख दीजिए इंटरनेट डाटा सेविंग ट्रिक, या फिर लिख दीजिए इंटरनेट डाटा सेव करने की बेस्ट ट्रिक, कमेंट में जरूर लिख दीजिए, क्योंकि आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा वीडियो। अब दोस्तों ट्रिक की ओर चलते हैं फटाक से। तो आपको 4 सेटिंग करनी है अपने मोबाइल के अंदर। पहला सेटिंग, जैसे नॉर्मली यूट्यूब कोई चलाता है तो यूट्यूब में भी डाटा खत्म होता है, और उसको बदलाव कर देंगे तो आपका इंटरनेट डाटा नहीं खत्म होगा ज्यादा। यूट्यूब के अंदर आपको जाना है, फिर आपको ऊपर में क्लिक करिए और यहाँ पे सेटिंग दिखेगा, सेटिंग में जाइए यूट्यूब के सेटिंग में, फिर यहाँ पे वीडियो क्वालिटी प्रेफरेंस मिलेगा, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे डाटा सेवर ये वाला कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब ये कर देंगे तो यहाँ से आपको बहुत मदद मिलेगा। और ये नीचे वाला वीडियो क्वालिटी ऑन वाईफाई वाला भी यही रख दें। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ ऑनलाइन क्लास जो करते हैं ना, वो अपने फैमिली में अपने चाचा या भाई या किसी के भी मोबाइल से डाटा लेते हैं, तो वैसे मगर आप ये सेटिंग करके रखेंगे ना, चाहे आप मोबाइल से चलाइए चाहे आप भाई चाचा के मोबाइल से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो सेम रहेगा, सब में सेटिंग सेम में रहेगा अप्लाई। तो यहाँ से आपका डाटा बचेगा, लेकिन सिर्फ इसी से नहीं होगा। यहाँ पे सेटिंग बदलाव करने के बाद ये देख लीजिए, डाटा पे मैंने क्लिक कर दिया, डाटा सेवर, बैक आ जाइए, जनरल पे आ जाइए, फिर यहाँ पे म्यूटेड प्लेबैक इन फीड, इस पे क्लिक करिए, ऑफ कर देना है इसको भी, ठीक है ना, ऑफ कर दिए हो। अब यहाँ पे चलते हैं आगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना है, देख रहे हो ना ये प्ले स्टोर को ओपन करिए। अब यहाँ पे प्ले स्टोर के भी सेटिंग है, पुराना प्ले स्टोर है आपका तो ऐसे करिए, पुराना प्ले स्टोर मतलब अगर आपका पुराना फोन है तो ऐसे स्लाइड करना पड़ेगा, तब सेटिंग निकलेगा प्ले स्टोर वाला, नहीं तो इसके ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए सेटिंग दिख गया। सेटिंग पे जाइए, नेटवर्क और प्रेफरेंस दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए ऑटो अपडेट ऐप्स है, यहाँ पे आपको दोस्तों बदल देनी है, और ये कर देंगे तो डोंट ऑटो अपडेट ये वाला आपका इस पे रहेगा या इस पे रहेगा, आपको तीसरे नंबर पे डाल देनी है और डन कर देनी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपके मोबाइल का इंटरनेट डाटा बिल्कुल लंबा चलेगा। यहाँ पे यही सेटिंग नहीं है, एक और है ऑटो प्ले वीडियो, ये भी आप कर देंगे तो आपके मोबाइल का डाटा जल्दी जल्दी खत्म नहीं होगा। यहाँ पे होता क्या है, बहुत सारे ऐड ऐसे होते हैं जो कि आपके मोबाइल के कुछ भी आप करते रहेंगे आपके मोबाइल के ऊपर में ये चलने लगता है ऐड, तो ऐड वीडियो भी तो डाउनलोड होता है ना, तो उसको डन कर दें, इसको भी तीसरे नंबर पे डोंट ऑटो प्ले वीडियो। और जब इसे ये कर देंगे सेटिंग तो यहां से भी आपके मोबाइल पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं एक और अगले इंपॉर्टेंट सेटिंग की ओर। आपको दोस्तों मोबाइल के सेटिंग में जाना है, ध्यान रहे वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है, इसलिए वीडियो पूरा देखिए। अब सेटिंग में जाइए, मोबाइल का सेटिंग जो है नॉर्मल वाला, मोबाइल के सेटिंग में जाएंगे ना तो कुछ चीजें दिखेगी, सबसे नीचे आ जाइए, सिस्टम दिख रहा है ना, सिस्टम पे क्लिक करिए, एडवांस पे क्लिक करिए और यहाँ पे सिस्टम अपडेट दिख जाएगा, दिख रहा है ना, बहुत सारे फोन में नीचे नहीं रहता है सिस्टम, बहुत सारे फोन में छठे नंबर पे रहता है, वीवो के फोन में, इन्फिनिक्स के मोबाइल में, रेडमी के फोन में ऊपर में रहता है यही चीजें, तो आपको वो देखना पड़ेगा। जैसे ये अबाउट फोन है ना,
तो वहीं पे सिस्टम अपडेट भी रहता है, या तो आप सर्च कर लीजिए सिस्टम अपडेट, सिस्टम अपडेट पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ऐसा दिखेगा, वहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करिए, फिर ये सेटिंग दिखेगा, सेटिंग पे क्लिक करिए और ये आपका ऑटो डाउनलोड पैकेज ये चालू रहेगा। इसको फटाक से बंद कर देनी है। जब आप यह बंद कर देंगे तो आपके मोबाइल में होगा क्या, कोई भी अपडेट आएगा इन फ्यूचर कभी भी आपके मोबाइल में, तो वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं लेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, मोबाइल का डाटा बचेगा, मोबाइल सेफ रहेगा और जब अपडेट करना हो तब अपने डाटा का यूज़ कर लो मोबाइल को अपडेट करने में, नहीं तो फालतू का मोबाइल अपडेट में डाटा व्यर्थ नहीं जाएगा आपका। तो इससे भी आपका होता है मोबाइल डाटा अपने आप ख़त्म होते रहता है। अब दोस्तों और अगले ट्रिक की ओर चलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ध्यान दिला दूं, अगर आपने शुरू में इस वीडियो को लाइक नहीं किया था तो वीडियो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किए थे चैनल सब्सक्राइब कर दें। अब दोस्तों अगले ट्रिक की ओर चलते हैं, तो वो दोस्तों हमारा ये है फोटो। आपके फ़ोन में भी ये ऐप होगा, ये देख लो फोटो, फोटो पे क्लिक करिए और यहाँ पे सेटिंग करना है आपको। वो क्या सेटिंग करना है तो अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना 3 डॉट, यहाँ पे क्लिक करो, या तो आपका नया वाला अपडेट है तो आपको यहाँ पे दिखेगा सेटिंग, यहाँ पे क्लिक करिए, सेटिंग पे क्लिक करिए, सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा बैकअप एंड सिंक, दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करिए और यहाँ पर जो बदलाव करना है सेटिंग में आपको बता दूं, अपलोड हाई क्वालिटी साइज है और ऐसा है, तो आपको दोस्तों यहाँ पे बैकअप एंड हाई क्वालिटी में यहाँ पे है ना, तो ओरिजिनल कर देना है, ठीक है, ये ओरिजिनल कर देना है। ओरिजिनल करने के बाद यहाँ से बैक आ जाइए और दोस्तों यहाँ पर जो सेटिंग करना है यहाँ पे ये सब देखिए बंद रहना चाहिए आपका, ठीक है, जो भी सेटिंग था सब यहाँ पे बंद रख दीजिए। हाँ एक चीज और, फिर से आपको इसी के अंदर जाना है और यहाँ पे जैसे आपका ये रहेगा ना तो इसको ऑफ कर दीजिए, ठीक है, ऑफ कर देंगे ना तो आपके मोबाइल में कोई भी फोटो वीडियो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं लेगा। अपडेट नहीं मतलब एक होता है ना बैकअप हो जाना, बैकअप का मतलब आपको पता भी नहीं होगा, ये जो है ऑटोमेटिक ऐप जो है वो लेते रहता है बैकअप को, तो मतलब इससे आपके मोबाइल का डाटा ख़त्म होता है और आपको पता भी नहीं चलता है। जो मैंने सेटिंग किया वो आप अपने मोबाइल के अंदर कर दीजिए, आपको लाइफ में कभी ऐसा दिक्कत नहीं होगा। आपको दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देनी है, चैनल सब्सक्राइब कर देनी है, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको लाइफ में ये इंटरनेट डाटा कभी ऑटोमेटिक ख़त्म नहीं होगा। कमेंट में लिख देना है बेस्ट डाटा सेविंग ट्रिक, ये लिख दीजिए कमेंट में। चलिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, थैंक यू, बाय।